हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज 15.1 जो चल रही थी आपकी, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन है हमारा, थ्री कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली 200 टाइम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम। इस फ्रीक्वेंसी से इनको करा गया है कि इनके जो अलग अलग आउटकम हैं वो इस टाइप से हैं, थ्री हेड्स हैं 23, टू हेड्स हैं 72, वन हेड है 77 एंड नो हेड 28। इफ द थ्री कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली अगेन कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कमिंग अप। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हेड्स कमिंग अप। तो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ओके, इवेंट इक्वल्स टू यहाँ पे पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, ये एक तरह से फॉर्मूला आप यूज कर लर्न कर लेना। और यहाँ टोटल इवेंट, टोटल इवेंट, यहाँ पे पॉसिबल टू हेड्स कमिंग अप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे टू हेड्स कमिंग अप इक्वल्स टू पॉसिबल इवेंट, टू हेड्स कितने टाइम आ रहे हैं हमारे 72 टाइम, 72 पॉसिबल आउटकम है, यानी कि इतने टाइम ही हमारे आ सकते हैं, और टोटल इवेंट्स हैं 200। नाउ चेंज इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म, तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 या 6, 2 6 या 12, इसको भी डिवाइड देंगे 2, ये हो जाएगा 100, 2 से अगेन डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 50 हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड, 2 9 जा 25, इट मीन्स आपका जो आंसर आ गया 9/25, इट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड सही से करो, इसमें दे रखा है, ये एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम, 2400 फैमिलीज हैं एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन अ फैमिली, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन लिस्टेड इन द टेबल बिलो। ओके, मंथली इनकम है, जैसे कि यहाँ पे है लेस देन 7000, 7000 से कम वाली फैमिली हैं जिन पे जीरो व्हीकल है, मतलब एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी 10 फैमिली हैं, वन व्हीकल है ऐसी 160 फैमिली हैं, ऐसी 25 फैमिली जिन पे टू व्हीकल है और टू से ज़्यादा किसी पे भी नहीं है। इसी टाइप से 7000 से 10000 के बीच में जिस पे एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी जीरो फैमिली हैं, यानी सबके पास एक एक व्हीकल है, और ऐसी फैमिली 305 जिनके पास केवल वन व्हीकल है, 27 फैमिली ऐसी जिनके पास टू व्हीकल हैं, ओके, 27 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास टू व्हीकल हैं, और टू से ज़्यादा केवल टू फैमिली के पास ही व्हीकल हैं। तो टेबल समझ में आ रही है ना। इसी टाइप से नेक्स्ट है 10,000 से 13,000 जिनकी सैलरी इतने से इतने के बीच में है, उसमें वन फैमिली ऐसी जिस पर एक भी व्हीकल नहीं है, 535 फैमिली ऐसी हैं जिन पर केवल एक व्हीकल है, 29 फैमिली ऐसी हैं जिन पर टू व्हीकल हैं, और वन फैमिली ऐसी जिसके पास टू से ज़्यादा व्हीकल है। ओके, तो फर्स्ट अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल, ऐसी फैमिली बताओ जिस पर 10,000 से 13,000 की सैलरी हो और एग्जैक्टली टू व्हीकल कहाँ है ये रहा, ओके, टू व्हीकल 10,000 से 13,000 के बीच में सैलरी हो और 29 और टू व्हीकल हों, तो 29 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास टू व्हीकल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू व्हीकल ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 29 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास टू व्हीकल हैं, आउट ऑफ कितनी फैमिली हैं टोटल 2400, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल कर नहीं सकते तो एज इट इज छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास अर्निंग 16,000 और मोर, जिनकी अर्निंग है 16,000 या इससे ज़्यादा मोर पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, 16,000 या उससे ज़्यादा है जिनके पास एक व्हीकल है, तो एक व्हीकल, वन व्हीकल वाले कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हीकल इक्वल्स टू 579, ऐसी फैमिली हैं 579 जिनके पास वन व्हीकल है, ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल,
सेवन थाउजेंड से इनकी सैलरी कम हो, ओके, और एक ही व्हीकल ना हो, सेवन थाउजेंड से सैलरी कम हो और एक ही व्हीकल नहीं हो, ऐसे 10 फैमिली हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हीकल, नो व्हीकल इक्वल्स टू है हमारे पास 10/2400, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 1/240 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है, अर्निंग 13,000 से 13,000 टू 16,000 पर मंथ एंड ऑनिंग मोर देन टू व्हीकल, और जिसमें टू व्हीकल से ज़्यादा हैं, ओके, मोर देन टू व्हीकल, तो 13,000 से 16,000 के बीच में और अबव टू व्हीकल कितने, 25 फैमिली ऐसी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन टू व्हीकल, मोर देन टू व्हीकल, टू व्हीकल, और यहाँ पे ये भी लिख दो सैलरी होनी चाहिए मोर देन, सैलरी कितनी, 13,000, 13,000 टू 16,000 ये आप लिख सकते हो, ओके, अपने आप से लिख सकते हो। इक्वल्स टू कितनी ऐसी फैमिली हैं, ऐसी फैमिली हैं जिनके पास 13,000 से 16,000 25 फैमिली ऐसी हैं, तो 25/2400 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 पर 25, 5 4 जो 20, 5 8 जो 40 0, 5 से 5 5, 5 9 45, 5 6 30, यानी 1/96, ओके, इट्स योर आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट है, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, टू व्हीकल नहीं, वन व्हीकल से ज़्यादा नहीं हो, वन व्हीकल से ज़्यादा नहीं हो, ऐसी फैमिली कौन कौन सी हैं, एक तो ये हैं और एक ये हैं, सबको ऐड कर लो, जब सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन व्हीकल इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10+1+2+1+160+305+535, यानी ये साइड आपको सारी ऐड करनी है, ये वाली साइड और ये साइड, 10+1+2+1+160, 305, 535, 469, 579, इन सबको ऐड करेंगे, 535, 469, 469 + 579/2400, ओके, जब इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2062/2400, ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 0 2 3 6 2 1 2, तो ये हो जाएगा 1200, यानी कि आपका जो आंसर होगा फाइनल आंसर 1031/1200, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इट्स योर आंसर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है, आगे कोशिश करना सॉल्व करने की, ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस सी फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स एंड अ फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबव, सो सी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इंटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइज ऑफ फॉलोअर 0 to 20, 20 to 30, 60 to 70, 70 to 100, देन सी परफॉर्म द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपको परफॉर्म करके दिखा रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, और सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, हमें दोनों को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20% मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 20% से लेस, ओके, तो प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड लेस देन 20% एंड स्टूडेंट्स आर 7 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90, सो इट्स योर आंसर। एंड सेकेंड पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और मोर अबव, मीन्स हमारे जो मार्क्स हैं वो इस टाइप से होंगे 60 और 60 से मोर, यानी 15+8, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 और मोर, ओके, देन इट विल नाउ 15+8 यानी 23/90,
ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, ये आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7, 8 जो आपसे सॉल्व हो जाएं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करना होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।